नमस्कार साथियों, मैं तरुण आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि हम हिमालय पार्ट स्टार्ट किए थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, फिर हमने देखा था बृहत हिमालय, इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जो रेड कलर की लाइन जो दिख रही है बृहत हिमालय है ना, महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय। ठीक, ये दोनों पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था। जो नए फ्रेंड्स हैं, अगर उन्होंने मेरा पिछले का दो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो दो वीडियोस हैं है ना, फर्स्ट और सेकंड, उसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये थर्ड वीडियो जो है ये लास्ट है। आज हिमालय आज हम यहाँ पे फिनिश करेंगे, देन हम हमारी जो गाड़ी आगे बढ़ेगी वो है प्राय द्वीपीय भारत। ठीक है, यानी पेनिनसुलर प्लेटू की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो आज जो हम लोग का जो पार्ट बचा हुआ है वो है आपका लघु या फिर मध्य हिमालय, जो कि ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है वो है ना, और जो लास्ट में है जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है वो शिवालिक श्रेणी, और इधर जो कॉर्नर में दिख रहा होगा देखो उत्तर पूर्व क्षेत्रों में। तो आज ये तीन जो सीरीज बची हुई है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लघु या फिर मध्य हिमालय। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि अगर आप ज्योग्राफी के लेक्चर्स साथ ही साथ कवर करना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप या तो एटलस रख लीजिए या फिर जो एक छोटा सा मैप आता है मार्केट में 1 रुपया 2 रुपए वाला वो आप खरीद लीजिए, एटलीस्ट साथ ही साथ कवर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा चीज है जिसको अगर आप साथ में करोगे तभी ये कंप्लीट हो पाता है। इसमें याद करने का तो रहता ही है, साथ ही साथ आपको मैपिंग भी करनी होती है इमेज, क्योंकि देखो ज्योग्राफी में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इमेज या फिर प्लेसेस से रिलेटेड ही आते हैं। तो अगर आप खुद से एक बार इसको करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, वो कभी भूलेगा नहीं, तो प्लीज इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग लघु या फिर मध्य हिमालय। जैसे कि मैंने कल वीडियो में लास्ट में ही बताया था कि जितने भी आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं है ना, वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, इन लघु हिमालयों पे ही। ठीक है, तो लघु हिमालय को भी अगर देखा जाए तो उसको भी हम पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है पीर पंजाब श्रेणी। ठीक है, तो जो पीर पंजाब श्रेणी है वो कहां पे स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो लघु हिमालय का पार्ट यानी पीर पंजाब सीरीज, पीर पंजाब श्रेणी कहां पे स्थित है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, फिर है धौलाधार, ये कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये वाला जो पोर्शन होता है आपका हिमाचल प्रदेश है ना, मतलब धौलाधार सीरीज है वो, उसका विस्तार कहाँ पे है आपका हिमाचल प्रदेश में। फिर है मसूरी सीरीज या मसूरी श्रेणी, तो जो मसूरी सीरीज है वो कहाँ पर है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, देखो पीर पंजाल और धौलाधार में तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, बट मसूरी आपको कॉमन सी बात है, मसूरी एक जगह का भी नाम है जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो भूलने की कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ये हो जाएगा आपका UK, यूनाइटेड किंगडम नहीं पढ़ लेना, दिस इज उत्तराखंड। ठीक है, सो पीर पंजाल कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, धौलाधार कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, मसूरी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। तो आपने सुना होगा बहुत ही फेमस दर्रा है, दर्रे का देखो, दर्रे का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दर्रे का एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग, उसमें कवर करेंगे। ठीक है, बनिहाल दर्रा, क्या बनिहाल दर्रा, ये कहाँ पे स्थित है, इस पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है ना, और इसी बनिहाल दर्रे में एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अगर नोट्स लिख रहे होंगे तो आप प्लीज साथ ही साथ लिखते चलना उसको, कौन सा सुरंग है, जवाहर सुरंग है ना, और कहाँ पर स्थित है मैंने बताया, इस पीर पंजाल श्रेणी में। ओके, अभी जवाहर सुरंग है ना, वो किस नेशनल हाईवे में, ये भी पूछा जा सकता है, तो उस नेशनल हाईवे का वर्तमान जो है 44, अभी देखना बहुत सारे जो नेशनल हाईवेज हैं उसका नाम चेंज हुआ है, जैसे कि हमारा खुद का जो दुर्ग रायपुर होके जाता है ना, पहले क्या था NH6 था, अभी क्या हो गया वो 53 हो गया है। ठीक है, तो सेम आपको इसको भी याद रखना है ना, 44 अभी वर्तमान है, लेकिन कौन सा था पहले, ये 1A, तो ये दोनों आप याद रखेंगे क्योंकि अभी अभी हुआ है चेंज है ना, तो कुछ भी पूछा जा सकता है वो। ठीक है, और बीएससी का एक ऑप्शन तो पता ही आपको, नन ऑफ द अबव, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 1A पहले था और अभी चेंज होकर क्या हो गया, ये 44 है ना, और ये भी याद रखना 1A जब था
तो बिल्कुल छोटा था, लेंथ इसका कहां से था, ये जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक ही आके वो खत्म हो जाता था। अभी जो है ये 44, ये नीचे कन्याकुमारी से पूरा यहाँ तक है, मतलब सबसे लंबा नेशनल हाईवे। इसमें अपने आप में भी क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे नेशनल है ना, सॉरी सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ये है 44। ठीक है, ये याद रहेगा सभी को। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये बिल्कुल करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिनाबी नाश्री करके है ना। आप बताएंगे कमेंट में कि इसका जो इनॉग्रेशन है किसने किया था। ठीक है, 2017 में हुआ था, चिनारी नाश्री करके है ना। और ये कहाँ पे स्थित है, जब आप जम्मू से उधमपुर होते हुए श्रीनगर के लिए जाते हैं है ना, आपको पता होगा दो राजधानियां रहती हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ठीक है, तो जम्मू से होके उधमपुर होते हुए यहां से हम जाते हैं श्रीनगर। ओके, तो श्रीनगर उस रास्ते में पड़ता है, और उसके कारण क्या होता है, जब से ये क्या बोलते हैं चिनारी नाश्री जो टनल बना है ना, रोड टनल है ये। ठीक है, उसके बनने के बाद से इसका जो रास्ते की जो दूरी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक, तो चिनारी नाश्री ये जो सुरंग है ये कहां पे स्थित है, इसी श्रेणियों में है ना, और ये भी किसमें है, नेशनल हाईवे 44। अगेन सेम क्वेश्चन, पहले किसमें था, ये 1A में था, अब किसमें हो गया है 44, तो इसको प्लीज आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। फिर आते हैं नेक्स्ट, आपने ये भी पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर में ही सबसे ऊंची रेल ब्रिज बनाई गई है। ठीक है, तो वो कहां पर है, इधर चेनाब नदी में कहीं पर स्थित है ना, तो इसको भी याद रखेंगे क्या, कि भारत की सबसे ऊंची रेल पटरी कहां पे बनाई गई है, जो अगर हाइट वाइज देखा जाए तो यहां पर चेनाब नदी होकर इधर से ऐसे निकलती है, तो ये चेनाब करके इस जम्मू से ऊपर वाले क्षेत्र में बनाया गया है। ठीक, अब आते हैं मेन इसकी जो विशेषताएं हैं, किसकी, इस लघु या फिर मध्य हिमालय की। तो होता क्या है कि गर्मी के दिनों में है ना, जब सूर्य कहां पे आती है, कर्क रेखा, जब कर्क रेखा के पास आती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो बर्फ जमे रहते हैं वो पिघलना शुरू होते हैं, और पूरा पिघलने के बाद वो हिमनद या फिर नदियों के फॉर्म में आके मिक्स हो जाते हैं, तो जो खाली जगह रहता है वहां पे घास के मैदान बन जाते हैं। ठीक है, इन जगहों पे घास के मैदान उगाते हैं, तो इन घासों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि ये जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, यहां इनको बोला जाता है मर्ग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है कि ठंडी के दिनों में तो यहाँ पूरा बर्फ जमा रहता है ना, जब टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है। ठीक है, फिर जैसे जब गर्मी आता है तो क्या होता है कि पूरा बर्फ है वो पिघल जाता है, वहां से चला जाता है, और वो जो मैदाने हैं वहां पे क्या उग जाते हैं, घास उग जाते हैं। ठीक है, तो जो घास उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, मर्ग, याद रखेंगे। ठीक है, इसी के कारण वहां पे जो कुछ जगह हैं, जैसे कि आपको सुना होगा आपने सोनमर्ग, गुलमर्ग है ना, तो ये उसी के कारण इन जगहों का नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको, ठंडी के दिनों में बर्फ से ये ढका हुआ होता है ना, और जैसे ही गर्मी आता है तो ये पूरी बर्फ पिघल जाती है, और वहां पे उन मैदानों में घास उगाते हैं, उनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है मर्ग, और इसी के कारण यहाँ पे जो नाम पड़ा है इन शहरों का या फिर इन कस्बों का, सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि। ठीक है, फिर हम आते हैं धौलाधार श्रेणी है ना, जो धौलाधार श्रेणी वो कहाँ पे स्थित है, मैंने बताया था ये है आपका हिमाचल प्रदेश के पास, यानी हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहां पर स्थित है। ठीक है, इसमें जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे आप गए होंगे शिमला है, मनाली है, ओके, कुल्लू है, यहीं पे एक बहुत ही फेमस घाटी है जिसको कहा जाता है कुल्लू कांगड़ा घाटी। क्या कहते हैं इसको, कुल्लू कांगड़ा घाटी। ठीक है ना, अब देखो कुल्लू कांगड़ा घाटी क्यों कहा जाता है, जब आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो देखेंगे एक रास्ता गया है आपका इधर ऐसे और एक रास्ता गया है इधर ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये गया है आपका किधर, मनाली के लिए है ना, और ये वाला हिस्सा गया है आपका धर्मशाला के लिए, तो इनके बीच जो घाटियां पड़ती हैं उनको क्या कहा जाता है, कुल्लू कांगड़ा घाटी। मतलब कांगड़ा किधर है, धर्मशाला वाले रेंज पे है, और ये कुल्लू किधर, ये मनाली वाले रेंज पे है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि कुल्लू कांगड़ा घाटी किस सीरीज के अंतर्गत आती है, धौलाधार सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको,
पीर पंजाल श्रेणी में है ना सबसे इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा न्यूज में आजकल आते ही रहता है काश्मीर घाटी करके, ठीक है। तो जो श्रीनगर वाला एरिया है वो किसमें आ जाएगा आपका, काश्मीर घाटी। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि काश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो ठीक है आप बता सकते हैं बिल्कुल। आपका यहाँ पे दिख रहा है ये इस वाली लाइन को बोलेंगे हम लोग बृहत हिमालय, और ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये आपका लघु हिमालय है ना। तो बृहत या लघु हिमालय के मध्य में स्थित है क्या, काश्मीर घाटी। ये क्वेश्चन आ चुका है तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर कुल्लू कांगड़ा घाटी, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मसूरी, मसूरी सीरीज है ना। तो मसूरी सीरीज कहाँ पे स्थित है, ये उत्तराखंड वाले रेंज में है ना। मसूरी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, कभी जाइएगा वहां पे है ना। और ये है रानीखेत, नैनीताल, ये सारी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं ये कहाँ पे स्थित है, इस मसूरी सीरीज में। तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना है जो छोटे छोटे शहरों के नाम है कि पुराना पुराना जो जगह है वो किस किस सीरीज के अंतर्गत आती है, तो उसको ज्यादा नहीं, चार पांच समय वो आपको देखना है, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि आप नेपाल में चले जाएंगे तो वहां पे महाभारत श्रेणी है, महाभारत सीरीज है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाता है, आपको इंडिया का ही मेनली आपको याद रखना है, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में हम लोग आते हैं इधर नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक। तो नॉर्थ ईस्ट में देखना आपको चार मेन सीरीज दिखाई देंगी। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, पटकाई बूम करके, ओके। नाम भी देखना पटकाई बूम, थोड़ा अजीब नाम है, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछ दिया कि इनमें से फलाना, जैसे उसने दे दिया पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी और पटकाई बूम, वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी सीरीज है जो कि पश्चिम हिमालय में नहीं है, ठीक है। तो देखो ये तीनों किसमें थे, पश्चिम हिमालय के अंतर्गत आते थे, ये किसमें है आपके, पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आ रहे हैं, है ना। तो जो पटकाई बूम है वो किसमें आ रहा है आपका, अरुणाचल प्रदेश। कंफ्यूज नहीं होंगे, चार अलग अलग दिख रहा है आपको इंडियन ज्योग्राफी का, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे है ना। तो यहाँ पे देखना सबसे ईस्ट टूवर्ड्स ये कौन सा है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पे आता है नागालैंड, फिर यहाँ पे आता है मणिपुर, और यहाँ पे है आपका मिजोरम। तो उन्हीं के नामों पे है, सबसे पहले क्या है पटकाई बूम, ये कहाँ पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश। फिर आता है आपका नागा श्रेणी, तो नाम से समझ आ रहा है नागा श्रेणी मतलब नागालैंड में रहेगा। फिर आ जाता है आपका पूर्वी मणिपुर, मतलब ये कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में स्थित है ना। अच्छा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, एक लेक है, ठीक है, उसका नाम है लोकटक झील या लोकटक लेक है ना। उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, जो लोकटक झील है मणिपुर में स्थित है, और ये किसके तहत संरक्षण प्राप्त है, रामसर प्रोटोकॉल। हालांकि एनवायरमेंट और इकोलॉजी का पार्ट था, फिर भी आ गया तो मैंने बता देता हूँ। लोकटक झील जो है ये इसके अंतर्गत संरक्षित है रामसर प्रोटोकॉल। रामसर प्रोटोकॉल वो है जो ईरान के किसी शहर में हुआ था है ना, एक समझौता होता जिसके अंतर्गत जितने भी नम भूमि है, नम भूमि यानी वेट लैंड है, उनको संरक्षित करने का जिम्मा उठाया गया। तो ऐसे भारत में टोटल कितने हैं, 26 प्लेसेस हैं, अभी शायद कुछ और प्लेसेस ऐड हुए होंगे है ना। तो मेनली 26 प्लेसेस हैं, उनमें से एक कौन सा है, ये लोकटक झील, कहाँ पे स्थित है, मणिपुर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोकटक झील इन किन प्रदेश के अंतर्गत आता है। देखो जब वो पूछेगा तो ऑप्शन भी वैसे ही पूछेगा, ये बोलेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि आपको ये तो पता है कि नॉर्थ ईस्ट में करके, लेकिन पर्टिकुलर किस स्टेट में है, तो मणिपुर में। और सबसे लास्ट में ये मिजो श्रेणी, जो कि कहाँ स्थित है आपका, मिजोरम में, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा आपका हिमालय का पार्ट कंप्लीट होता है ना। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपी पठार, ठीक है। उन प्रायद्वीपी पठारों में हम देखेंगे यहाँ पे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, और जो सतपुड़ा के जो पर्वत हैं वो सब सारी चीजें है ना। और मैं एक और चीज आपको बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा पामीर का पठार, ठीक है। पामीर का पठार कहां पे स्थित है, देखिए ये हिमालय सीरीज है, ऊपर आपको जो दिख रही है वो है कुनलुन सीरीज है ना, ऑब्वियस सी बात है, सियाचिन तिब्बत यानी चाइना वाले एरिया में स्थित है। इधर आपका हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, ठीक है,
उनके बीच में ये से जो जाके निकलता है, एक जगह थोड़ा सा ऊपर है ये जगह कम, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है ताशकंद, सॉरी तजाकिस्तान वाले एरिया में, ये पामीर का पठार, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको कहा जाता है संसार का छत। तो क्वेश्चन भी आ चुका है ये, हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, क्या है कि जो पामीर का पठार है ना, वो क्या है, संसार का छत है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के प्रायद्वीपी, तटीय मैदान, द्वीप समूह, रेगिस्तान और उत्तर भारत के मैदान वाले पार्ट को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।